नमस्ते दोस्तों, आज मैं श्रेया आपको हिंदी व्याकरण सिखाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, तो चलिए जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का जो शब्द बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सीता, दिल्ली, कोलकाता, गाय, बिल्ली, गंगा, यमुना, ताजमहल, कूलर, पंखा, आलमारी आदि। तो इसमें किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी जगह के नाम को, किसी भी पशु के नाम को, किसी भी नदी के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, किसी के भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए अब हम संज्ञा के भेदों को उनके उदाहरणों के साथ समझते हैं। संज्ञा के पांच भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए अब इन संज्ञा के भेदों के बारे में हम उदाहरणों के साथ समझते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राहुल, गीता, रामायण, महाभारत, गंगा, कावेरी, दिल्ली, दिनों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम, व्यक्तियों के नाम, गाय, बिल्ली, मोर, तोता, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा उन शब्दों को कहा जाता है जिनका नाम हम विशेष रूप से बताया जाए। जैसे कि राम, राहुल, हम नाम उनका जानते हैं, रामायण, महाभारत, इनका नाम हम जानते हैं, ऐसे ही शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, ग्रंथ, नदी, पशु, पक्षी, शहर, गांव, पर्वत आदि। तो इसमें मनुष्य, किसी भी मनुष्य का नाम नहीं दिया गया। मनुष्य कहने से जितने भी मनुष्य हैं सभी का बोध होता है, यानी ये एक जाति है, तो इसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही ग्रंथ कहने से, रामायण, महाभारत, यहाँ नाम नहीं दिया गया हुआ है, ग्रंथ कहने से सभी ग्रंथों का बोध होता है। और वैसे ही नदी, नदी अगर कह देते हैं तो सभी नदियों का बोध होगा। पशु कहने से जितने भी पशु हैं उन सब का बोध होता है। वैसे ही पक्षी कहने से जितने भी पक्षी हैं उन सब का बोध हो गया। और शहर जब हम कहते हैं तो शहर में यहाँ नाम नहीं दिया गया हुआ है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, ऐसा नहीं है। शहर कहने से सभी शहरों का बोध होता है। वैसे ही गांव, जब हम गांव कह देंगे तो सभी गांव का बोध हो गया। और वैसे ही पर्वत होता है, तो यहाँ नाम नहीं दिया गया हुआ है पर्वत का, लेकिन जब हम पर्वत कह देंगे तो यहाँ सभी पर्वतों का बोध हो जाएगा। तो इसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से समूह शब्द का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, कक्षा। तो भीड़ जो होती है वो बहुत सारे लोगों को मिलाकर ही बनती है, जनता भी लोगों को ही कहते हैं, और कक्षा भी बहुत सारे बच्चों से बनती है, किसी एक बच्चे के होने से वो कक्षा नहीं होगा। और वस्तुओं का समूह, यहाँ किसी एक वस्तु से कोई भी समूह नहीं बनेगा, बहुत सारी जब वस्तु चीजें रहेंगी तभी वो समूह बनेगा। ऐसे ही जुलूस, बहुत सारे लोगों का ही जुलूस निकलता है। और मेला, मेला भी बहुत सारे लोगों का ही होता है। सेना, सेना सिपाहियों की ही होती है। और गुच्छा, मान लीजिए चाबी का गुच्छा, तो एक किसी एक चाबी से वो गुच्छा नहीं होगा, जब बहुत सारी चाबियां रहेंगी तभी वो गुच्छा बनेगा। तो आदि ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो शब्द समूह होते हैं, किसी भी चीज का समूह हो सकता है, तो उन्हीं को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, ये अवस्था है, और मोटापा एक दोष है, चढ़ाई, मिठास, मिठास एक गुण है, और थकावट आदि। तो ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना,
सोना को हम तौल सकते हैं और तांबा तांबा को भी हम तौल सकते हैं, लोहा लोहा भी तौला जा सकता है, दूध दूध को हम नापते हैं और चावल चावल भी तौला जाता है, गेहूं आदि। तो ऐसे शब्द जिनको नापा और तौला जा सकता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हिंदी व्याकरण का संज्ञा था और अगली वीडियो में मैं आपको सर्वनाम क्रिया और विशेषण बताऊं, तब तक आप इसको याद कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।